तो हम हमारा जो है अकोमोडेशन को खाली कर रहे हैं। वन सेकेंड, लाइट भी बंद हो चुकी है। बिस्मिल्लाह बोला मैंने, बिस्मिल्लाह चलो भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये हमने क्या बंद, और हम निकले हैं। चलो लिफ्ट रुका के रखो, और ये ले लिया सामान, और ये हम चले। कल सुबह 11 बजे का चेकआउट है, और 11 बजे तो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे, इसलिए हम लोग को जो है अभी खाली करना है। सामान ले लो, हम लोग वॉकिंग आते हैं। सुनो, सामान जाने दो, हम लोग वॉकिंग। तो स्ट्रगल, अरे नीचे हम मिल रहे, क्या डर रहे तुम लोग? चलो चलो, आराम से आराम से। नम्रता ब्लॉग में तो आराम से, हेलो आराम से कर। इले सामान डाल दे, हम लोग वॉकिंग आते। अरे बस रहने दे, ये फिर से जाएगा। आराम से कुछ नहीं आ सकती। चलो हम लोग आते हैं नीचे, नीचे से उठाते हैं हमारा। बाय गाइस, बाय सामान। अब मेरे को लो। हाँ लो, आपको लो। चलो हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये थैला लिया, देख लो मेरा क्लास में। वेरी गुड। तो हम चले हमारे नए अकोमोडेशन, बट उससे पहले हम खाने वाले हैं खाना, बिकॉज हम खाना पेट पूजा करके निकलेंगे यहाँ से। वहाँ पे अभी कुछ बनाया नहीं है, रेडी नहीं है, तो जो है हम यहाँ से खा पी के निकलने वाले हैं। यस, और ऐसा है कि हमारा एग्ज़ाम भी है, परसों के दिन फाइनल एग्ज़ाम है। आज हमारा प्रोग्रेस टेस्ट था, बट परसों के दिन हमारा फाइनल एग्ज़ाम है, जो हमें क्लियर करना है। अगर हम वो क्लियर नहीं करें तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लाइक मिनिमम हमें 80 मार्क्स स्कोर करने हैं उसमें। तो हम पहुँच रहे नीचे अभी हमारे खाने के। अरे बहुत हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अरे क्या ये वो अलग क्यों रखा? ये वो थैली अलग मत रख, इसके ऊपर रख, सब मिक्स मत वो करना। ये लो कपड़ा आपका नहीं। हाँ, ये इसके ऊपर रखना था ना, इसका बैग ही है। अरे आ रही, दो रुको। रिया वेरी गुड, गुड गर्ल। यस, बी केयरफुल। या श्योर, अब खाने लग जाओ। वेट, यस बेटर। सो ये रहा हम सबका लगेज। यस, अभी इनकम्प्लीट है, अभी इनकम्प्लीट है एक्चुअली। और मुझे बता देना कब ओला करना है, अकॉर्डिंगली हम ओला कर देंगे। ये रही आपकी चाबी, थैंक यू सो मच। आपने चेकआउट कर लिया? हाँ, एक ही दे दो ना उनको। मैंने दिया मेरा चाबी। सो लास्ट टाइम होटल का खाना, और लास्ट टाइम हम मिलके खा रहे। कितनी अच्छी लग रही है, मेकअप करी तो कितनी अच्छी लग रही है ना, ऐसी भूतनी लगती है ना। ये वेज है, लॉलीपॉप। आपने बैल बनाई इसलिए इतनी अच्छी लग रही है। हाँ, अभी लॉलीपॉप नहीं, मशरूम है वो। मशरूम खा रही है, संभाल के संभाल के। रिया आप कुछ नहीं खा रहे हो, डाइट पर हो? ओह माय गॉड, थोड़ा सा खा लो, भूख लगेगी रात को। बस चीज मैगी तो फिर भूख में लगेगी आपको। मैंने भी खा ली, मेरा भी डाइट 2 किलो कम करने बोला। आज खा लेंगे, आज खा लेंगे, कल से वर्कआउट भी स्टार्ट कर देंगे। नहीं, उसने खा लिया एक्चुअली मेरी मैगी पेट भर के। तो बोला था कि पानी में हनी और नींबू डाल के हाँ, पीने के लिए। हाँ, तो उसने ठंडे पानी में नींबू। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। दाल चावल कौन खा रहा भाई साहब लोग? कहाँ से बिठाएंगे? बाय नम्रता, 5251 ओटीपी है, हम आपको मिलते हैं डायरेक्ट उधर। हैप्पी जर्नी, बाय, संभाल के जाओ। ओटीपी किसके फोन में है? दे दिया 5251 बोला ना। बोलती है भैया मैं आगे किसी में बिठा दो ना, ऐसा बोल। बाय, दूसरी करियर वाली आई। अच्छा है, कैरियर लग रही है दूसरी, दूसरी लगता है कैरियर वाली लग रही है, ऊपर वो भी है। मिलो वहाँ पे, गुड। यस एंड सेकंडली वी विल। बाय 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 बाय। अभी कितने बैग्स बचे, बाहर ला लो। चलेगा ठीक है, और एक पर्स। आई थिंक अभी जो आया, ये अभी वाली ओला अच्छी आई है। सुना, अभी ओला और शायद कैरियर वाली आई है, तो ऊपर भी डालने बोल देना उसको। देखो शायद आई है, हम अच्छे से बैठ yes. जाएंगे। अच्छा अच्छा, टेंशन मत ले। क्या हुआ व्लॉग में? चलो आ गई ये वाली कैरियर वाली है, इसके ऊपर डाल दो। चलो सो हम बैठ चुके हैं। और कैसे कैसे हम बैठे, मेरे पैर, ये स्ट्रगल है, एक्चुअली स्ट्रगल है। अभी बिस्मिल्लाह बोल के निकलेंगे। चलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आ चुके हैं हमारे नए घर में, हमारे नए पीजी में। ये
और एकदम टाइट से है बिकॉज कल हमारा एग्जाम है FSEC, जो इतना डेंजर है और इसका ये है कि अगर कल हम क्लियर नहीं करते तो बाय बाय वापस मुंबई का मुंबई यस। तो अभी हम चले खाना खाने बिकॉज यहाँ पे अभी हमें ऊपर खाना खाने बुलाया। ये रूम है तो आपको दिखाती हूँ। है हमारा खाने का सेक्शन, ये भी रूम है क्या? ये रूम है, ये भी रूम है। अच्छा ये सब जगह बनाया है, ये मंदिर वाला सीन नाइस। तो हमारा भी ऐसे ही है बट हमारा क्या नम्रता रूम देगी, मतलब लिटरली स्पेशियस है रूम देगी, स्पेस बहुत बड़ा है। फिर यहाँ पे उन्होंने बनाया है, यहाँ पे सब रूम के स्पेस बड़े है ना। नाइस ये हमारे रूम्स है एक्चुअली, ऊपर वाले ऐसे। ये किचन है और ये कॉमन वॉशरूम है और अभी हम बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी क्रू की लाइफ आप देखेंगे तो हॉरिबल है। अभी घर में हम जब होते हैं तो कपड़ों खुद से धोते, खाना खुद से, मतलब मम्मी और हम खुद कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो कोई है नहीं, खुद से हमको करना पड़े। इवन अफशा भी खुद से ही कर रही, तो इन्हों थोड़ी घर की बहुत 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 याद आ रही। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि अफशा पहली बार कपड़ा कैसे धो रही है। और ये सोनी है, मेरा वीडियो बिगाड़ने में लगी हुई है, बस ट्राई शो यू कि अफशा कैसे कपड़ा धो रही है। मम्मी नहीं है उनकी, अफशा कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ अफशा कैसे कपड़ा धुल रही है। बिना मम्मी के घर हमारा कैसा है। अफशा व्हाट आर यू डूइंग, सी देखो ऐसे कपड़ा धुल रही है ये, इतने सारे कपड़े हैं। मम्मी की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। पहली बार आप ब्लॉग में देख रहे हैं ना कैसे कपड़ा धुल रही है एकदम घिस घिस के। दिस इज अ कैबिन क्रू लाइफ गाइस, दिस इज कैबिन क्रू लाइफ। क्या है आप बताओ अभी, आप उसको नम्रता क्या है, राजू बोलते हैं किसी वेटर है, ये है वो है, असली पीछे बताओ क्या है। यस बता रही, केबिन क्रू की लाइफ ना आसान नहीं होती। लोग कहते हैं कि हम फ्लाइट में चाय सर्व करते हैं, जो भी मतलब बोलते हैं कि हम सर्विंग के लिए होते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि हम सर्विंग के लिए होते हैं। एक्चुअली हम होते हैं कस्टमर, एक्चुअली हम होते हैं कस्टमर सेफ्टी के लिए, उनके रिक्वायरमेंट के लिए, ना कि हम सर्व करने के लिए होते। और इट इज नॉट ईजी टू बिकम अ केबिन क्रू, इट्स वेरी हॉरेबल, बट यस कि भगवान अपने साथ है एंड थैंक गॉड कि वी आर हियर एज अ कैबिन क्रू ट्रेनिंग। सो यस 3 मंथ का अभी चालू है हमारा प्रोसेस ट्रेनिंग, सो होप फॉर द बेस्ट कि हम एग्जाम पूरा क्लियर कर पाए। सो यही कहूँगी कि कभी भी आप ये मत कहिए कि कैबिन क्रू बनना बहुत आसान है, उसमें हमें चाय सर्व करना पड़ता है, कॉफ़ी सर्व करना पड़ता है, खाना सर्व करना पड़ता है, बट वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली कैबिन क्रू होती हैं कस्टमर सेफ्टी के लिए, कि उन्हें कभी कुछ चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, यस। आगे कंटिन्यू ब्लॉग करेंगी अफशा मैम, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हियर आंचल सिंह। आने वाली हम लोग लाइक आज एग्जाम दे के आए और लिटरली 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर था और हम लोग को लाइक मिनिमम 80 स्कोर करना था उसमें, एंड वी डोंट नो अभी कितना क्या है बिकॉज हमने दिया है एग्जाम और कल रिजल्ट आएगा बोला है। बहुत डिफिकल्ट था और सिर्फ एक ही घंटे का टाइम था, आपको 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे, तो अभी दिया तो है, अभी आगे देखते क्या है। और यस मुझे यहाँ पे भी वर्कआउट करना है बिकॉज मेरे वेट एक्चुअली बढ़ गया है, मुझे रफली अराउंड 1-1.5 kg कम करना है, तो अभी मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज उससे पहले मेरा वर्कआउट ये होगा कि हम लोग ने सर सिर्फ बैग्स यहीं रख दिए थे और हमने बोला था कि रखते हैं एंड जब एग्जाम ये इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाएगा ना तो हम आके सब सेट करेंगे। तो अभी मेरा तो हो गया, बाकी लोग जो है उनका कर रहे, तो मैंने मेरा बैग जो है मतलब कबर्ड में डाल दी, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया। कब ये जो बैग कपड़े हमें मिला है, तो ये है हमारा कबर्ड जहाँ पे लाइक ऊपर हमने मेरा बैग जो था हैंडबैग मैंने वहाँ डाल दिया, मेरे नाइट सूट्स और ऐसा, मतलब फ़िलहाल के लिए मैंने अभी जो 3-2 महीना जो भी है उतना मैं सेट किया है। और ये मेरी नीचे जो है मतलब दूसरी जो कलीग है उसमें यहाँ डाला है और बाकी लोगों का उनका दूसरे रूम में है। तो यस ये जो है हमारा रूम अभी फ़िलहाल मैसी मोड में है बिकॉज हम अभी सब कर रहे हैं साफ़ सफाई और लोग यहाँ पर शायद
जो है वो लोग मंदिर बना रहे हैं वहाँ पे, उनके मंदिर के लिए जगह दिया है तो लोग मंदिर बना रहे हैं वहाँ पे। बाकी यस, ये सब मैं सभी क्लीन करना है जितना भी होगा, और पूरा जब पूरा क्लीन हो जाएगा तो मैं आपको एक बार फिर से ये क्लीन वाले रूम की जो है मैं झलक दिखाऊंगा। एक्चुअली अभी रूम बड़ा लग रहा है बिकॉज पूरा बेड हमने वैसी पसारा छोड़ दिया तो वो हट गया है। सो हो गया है मेरा रूम सेट, और यहाँ पर थोड़ा मेस है जो बनाए रखा है बिकॉज पता नहीं ये सब चीज़ें कहाँ रखनी है बैग से। बट यस, हमने कर दिया है पूरा रूम हमारा क्लीन, आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमने हमारा रूम क्लीन किया है, और मेरी हेल्प की है इन्होंने, रिया ने। कितने अच्छे से हमने साफ किया है पूरा, एकदम लग रहा है हमारा रूम रूम लग रहा है एक्चुअली हमारा। ये थोड़ा है, ये सामान जो है ये भी हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, बट अभी के लिए ये। तो यस, मैं यहाँ सोती हूँ, मेरे साथ नम्रता एंड देन सोनी एंड देन रिया और सेट। बस तो अभी खाना बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। तो ये हॉल थोड़ा मैसी है, वो अभी नया नया है ना तो थोड़ा टाइम लग रहा है हॉल के लिए। हॉल इज मैसी, यहाँ पे जो है किचन हमारा, और किचन में खाना बन रहा है नाइस। तो चलो हम हमारे रूम में ये थोड़ा सेट करते हैं। यस, पता नहीं क्या बन रहा है डिनर में, जो भी बन रहा है लेट्स सी। हम आए हैं डिनर करने और मस्त वाली हवा चल रही, ठंडी ठंडी हवा। तुम लोग ये निकालोगे कब? निकलेगा नहीं ये, निकलेगा। अच्छा, सो ना मेरे को नहीं जमेगा वैसा है तो, वो टेस्टलेस वाला ना। अभी हमें खाना, हाँ अभी हमें खाने में क्या मिलने वाला है, रसम राइस कुछ तो ऐसा है वो मिलने वाला है, तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या है जो रसम राइस जो भी है। पानी पिया सच में तू? कैसा है गाँव का मतलब क्या होता है इसमें से रसम राइस कौन सा है? रसम नहीं दिया। अच्छा ये सिर्फ राइस है, रसम डिफरेंट है। ओके, मुझे लगा ये रसम, बड़ी इतना नहीं खाऊंगी, बहुत है, मैं तो वर्कआउट भी करना है। हाँ खा लो, अभी थोड़ा करके आई वर्कआउट, इतना नहीं खाऊंगी। हाँ हमने एंजॉय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो यस, फाइनली मेरे न्यू पीजीज में आ गई हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको न्यू वीडियोस बनाऊंगी, और मैं सोच रही हूँ कि आपको भी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस जो रहेगा उसके बारे में एक्सप्लेन करूँ, लाइक दो तीन वीडियोस ऐसे बताऊँ, इंटरव्यू प्रोसीजर ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, देन अकॉर्डिंगली मैं विल मेक द वीडियो। ओके, बाय।